Subscribe to the channel and press the bell icon so you never miss any updates from us. Welcome to all of you. Hope you are all well. Students, aaj hum discuss karenge infrared spectroscopy. Infrared spectroscopy ek स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है जिसमें हम जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक स्पेक्ट्रम आता है उसमें आईआर रीजन होता है उसको हम यूज़ करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करते हैं. तो इसको हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रारेड spectrum provide important information about the structure of compound. मतलब क्या है कि जो organic compound होते हैं उनके बारे में हमें sufficient information जो है provide करती है IR. IR spectrum जो हमें मिलता है मतलब क्या है कि हमें जो spectrum मिलेगा इसमें जो spectrum हमें मिलता है वो wave number और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के दरमियान हमें जो है स्पेक्ट्रम मिलता है जिससे और इसमें भी जो है ऑब्वियसली डिफरेंट किस्म की पीक्स बनेंगी. तो इनसे हम डिफरेंट किस्म के इम्पोर्टेंट जो है वो रिज़ल्ट ड्रॉ करेंगे फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए. तो आईआर में जो हमारे पास हमने जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी उसमें हमने देखा कि जो हमें अब्जॉर्प्शन मिलती है वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिलती है. मतलब क्या है कि जो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो थे वो हायर स्टेट में जाते थे तो इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से हमें जो है अब्जॉर्प्शन मिलती थी और पीक्स हमें मिलती थी. लेकिन इस केस में हमें जो है वो जस्ट रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो है ट्रांजिशन मिलेंगी. इसका मतलब यह है कि जो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म के जितने भी बॉन्डिंग जिस तरह की भी बॉन्डिंग हो तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं या वो रोटेट करते रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मॉलिक्यूल है तो इसमें ये जो कंपाउंड हैं ये जो इसके साथ सॉरी एटम लगे हुए हैं ये वाइब्रेट करते हैं या जो है रोटेट करते रहते हैं अपने एक्सेस के गिर्द इन बॉन्ड के इर्द गिर्द. तो इन रोटेशनल और वाइब्रेशनल की वजह से इसकी आगे हम फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे कि स्ट्रेचिंग होती है स्ट्रेचिंग और बेंडिंग होती है. मतलब क्या है कि स्ट्रेच होते रहते हैं या बेंड होते रहते हैं ये जो बॉन्ड होते हैं तो उनकी वजह से जो है इनके अंदर जो है इनका अब्जॉर्प्शन होती है आईआर रेडिएशंस को ये अब्जॉर्ब करते हैं और डिफरेंट किस्म के हम जो है इनसे रिज़ल्ट ड्राइव करते हैं. तो इस केस में हम जो रेडिएशंस यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उनकी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी. उनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज़ इनकी जो है फ्रीक्वेंसी होगी. और वेव नंबर जो होगा हम मैक्सिमम जो है वेव नंबर को इसमें जो है वेवलेंथ और वेव नंबर. अब हम इसको इसलिए इंटरप्रेट करते हैं वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हम इसलिए करते हैं कि लेट से हमारे पास रिलेशन जो होता है वेव नंबर का वी नो ये वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है. तो एक इम्पोर्टेंट जो है रीजन है इसको हम फर्दर थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट एक पॉइंट आएगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो इस रेंज में वेव नंबर होना चाहिए और जो एनर्जी हो वो 10⁻³ to 10⁻⁵ जोल पर मोल होनी चाहिए. तो इन करैक्टरिस्टिक्स की जो रेडिएशंस होंगी आईआर की होंगी वो हम जो है अपने एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे. तो हमने बात की कि डिफरेंट किस्म के जो है वो वाइब्रेशनल और
रोटेशनल मोशन की वजह से बॉन्ड के या एटम के, उनकी वजह से हमारे पास अब्जॉर्प्शन इसमें होती है। तो लेट्स से ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है E1 से E2 में, और हर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर जो है वो वाइब्रेशनल बैंड होते हैं, वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। लेट्स से ये वाइब्रेशनल 1 है, ये 2 है, और इसी तरह ये वाला 3 है। तो ये वाला इतना जो है ये वाइब्रेशनल है, और हर वाइब्रेशनल के अंदर जो है वो रोटेशनल लेवल होते हैं। इस तरह से ये आर आर वन होगा, देन आर टू होगा, इस तरह से रोटेशनल लेवल होंगे। तो इस तरह से जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा। आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग द आईआर रेडिएशंस, आईआर रेडिएशन जब ऑब्जॉर्ब होंगी तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा, जिससे हम जो है डिफरेंट किस्म के रिजल्ट ड्रा करेंगे। तो इस तरह से जो है अगर हम इनकी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिशन में होती है, उसके बाद वाइब्रेशनल की, और लास्ट पे जो है वो रोटेशनल लेवल की होती है। तो आईआर रीजन जिसको हम यूज़ करेंगे उसके अंदर फर्दर जो है वो इस तरह तीन किस्म के जो है रीजन होते हैं। एक नियर आईआर रीजन होता है, मिड आईआर रीजन होता है, और फार आईआर रीजन होता है। और ये जो मिड आईआर रीजन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या है कि इसमें जो हमारे पास वेव नंबर होगा तो इस तरह से अगर हमारा जो वेव नंबर है, अगर हमारा वेव नंबर 10 to 400 cm तक होगा तो उसको हम नियर आईआर रीजन में पढ़ेंगे। मिड आईआर रीजन जो है वो 400 से 4000 तक होगा, 4000 से 14000 तक जो है फार आईआर रीजन होगा। तो इनकी जो है वेवलेंथ जो होगी इसमें, तो हमने पीछे बात की थी अभी कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है वो आता है वेव नंबर और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के दरमियान आता है। तो हम वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं जो हमारे पास, अगर हम इसमें लेते हैं वेवलेंथ को, तो लेट्स से ये हमारे पास 2.45 माइक्रोन है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इसको ड्राइव करें, तो हमें पता है कि जो वेव नंबर है वो वेव लेंथ का इन्वर्स होता है। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे 2.5 जो वेव लेंथ जिसको हम कह रहे हैं, अगर इसको हम देखें तो हमें पता है कि जो वेव नंबर होता है उसका रिलेशन है वेव लेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम 2.5 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, लेट से 2.5 माइक्रोन है तो 1 जो माइक्रोन होता है ये होता है 10 raised to the power माइनस 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम इनको कन्वर्ट करते हैं 2.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 raised to the power माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हो जाएगा 1 over वेवलेंथ की वैल्यू पुट करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 raised to the power माइनस 4, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इस रेंज में जो है जब हम ड्रा करेंगे, जब इसको हम वेव नंबर वेवलेंथ को वेव नंबर की फॉर्म में जब हम इसको लेंगे, तो जो हमारे पास अगर हम वेवलेंथ और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के दरमियान ड्रा करेंगे ग्राफ, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो बहुत ज़्यादा जो है
स्पेक्ट्रम जो हमें मिलेगा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप पीक्स मिलेंगी, और पीक्स की सेपरेशन जो है वो इजी नहीं होगी। तो इसलिए जब हमारे पास हम इधर लेंगे वेव नंबर को लेते हैं, तो वेव नंबर के साथ जब लेंगे तो हमारे पास पीक जो होंगी वो इस तरह से सेपरेट मिलेंगी, तो सेपरेशन ऑफ पीक जो होगी वो अच्छी होगी। इसलिए हम जो है वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हम हमेशा जो है लेते हैं। जैसे हमने बात की कि ये वाला जो मिड आईआर रीजन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो रीजन है इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो इस रीजन को यूज़ करने के लिए हमारे पास हमेशा जो वेवलेंथ की रेंज होगी 2.5 टू इतने 15 माइक्रोन तक होगी। तो इस रीजन के अंदर एक और रीजन होता है जिसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, और इस फिंगरप्रिंट रीजन की हेल्प से हम जो है वो फंक्शनल ग्रुप को एनालाइज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को डिटरमिन करते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा जो है जब अब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस के वर्सेस हम जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम बियर लैम्बर्ट लॉ। अब्जॉर्प्शन इज़ इक्वल टू लॉग 10 इनटू 1 ओवर टी। तो इस तरह से जो है हम अब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस का रिलेशन जो है फ्रॉम बियर लैम्बर्ट लॉ यूज़ करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा सैंपल होगा उसके ऊपर जो है हम रेडिएशंस को फॉल करवाएंगे। जैसे ही हमारी रेडिएशंस हमारे कंपाउंड के ऊपर या सैंपल के ऊपर पड़ती हैं तो उसमें हमने बात की कि रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो है वो ट्रांजिशंस होती हैं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती हैं। तो जब ये चूँकि जो आईआर रेडिएशंस होती हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं, उनके पास एनर्जी होती है, और उस एनर्जी की वजह से जो है रोटेशन और वाइब्रेशन जो है मॉलिक्यूल के अंदर हमारे सैंपल के अंदर वो इंक्रीज़ होती है, और उस अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। मतलब क्या है कि जब रेडिएशंस फॉल करेंगी आईआर तो अब्जॉर्प्शन होगी, वो अब्जॉर्ब होंगी, और रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, एक्साइटेशन होगी, वाइब्रेशन एंड रोटेशनल लेवल ट्रांजिशन टेक प्लेस फॉर एग्जांपल। और हमारे पास ये जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल होंगी, ट्रांजिशनल और रोटेशनल जब भी हमारे पास अब्जॉर्प्शन होगी मॉलिक्यूल की, वाइब्रेशन और रोटेशनल जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, तो ऐसे कंपाउंड जिनका डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, तो अगर डाइपोल हमारी लेट से ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो जब इसके ऊपर हमारी आईआर रेडिएशंस जो हैं वो फॉल करेंगी, तो अगर तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो चेंज होता है, अगर डाइपोल मोमेंट चेंज होता है तो इसमें ये जो आईआर रेडिएशंस हैं वो अब्जॉर्ब होंगी, आईआर रेडिएशन तो अब्जॉर्ब होंगी। और अगर इसका डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता, अगर डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता तो ये जो आईआर हमने रेडिएशंस फॉल करवाई हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो ऐसे कंपाउंड जिनका जो है डाइपोल मोमेंट जब आईआर रेडिएशंस फॉल हों उस सैंपल के ऊपर अगर चेंज हो तो उसमें जो है वो अब्जॉर्प्शन होगी, अब्जॉर्प्शन मीन कि आईआर रेडिएशंस जो हैं अब्जॉर्ब होंगी। तो अगर तो बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट चेंज होगा तो देन उसमें अब्जॉर्प्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो लेट से जो हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर जो है हेटरोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी आईआर जब हम उनके ऊपर फॉल करवाते हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट जो है
वो चेंज होता है, लेकिन जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं लेट से, तो इनका तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है। तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होने की वजह से जो है ये आईआर अब्जॉर्ब नहीं करते, तो इसलिए ये अब्जॉर्प्शन जो है वो शो नहीं करते। और अगर तो अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की, कि मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेशनल अब्जॉर्प्शन शो करेंगे तो वो किस तरह करेंगे। अगर तो हमारे पास जो आईआर है वो अब्जॉर्ब हो रही है, तो उसकी अगर फ्रीक्वेंसी है 100 पर सेंटीमीटर, तो जो है वो रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो होगी। और अगर ये हमारे पास आईआर जो अब्जॉर्ब हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 to 10,000 तक होगी, तो देन जो है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होगी। तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, हमने पहले बात की कि वो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा, और मिड आईआर रीजन जिसकी हमने चेक किया कि इतने नैनोमीटर से 2.5 से 15 नैनोमीटर तक रेंज होती है, और इसमें जो है वाइब्रेशनल एनर्जी की वाइब्रेशनल जो है वो अब्जॉर्प्शन होती है। और इस वाइब्रेशनल जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो डिपेंड कर रही है मास ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल, और जस्ट एनेंशियोमर हैव द सिमिलर आईआर स्पेक्ट्रा। जो एनेंशियोमर होते हैं हमें पता है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, और इनके जो स्पेक्ट्रा आएंगे आईआर के वो सेम होंगे, क्योंकि उनके अंदर मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट भी सेम होती है, मॉलिक्यूल की अरेंज सेम होती है, उनके अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनके मास और उनकी जो ईच एंड एवरी थिंग जो है वो सेम होती है, तो इसलिए डी और जो एल एनेंशियोमर होंगे वो दोनों के दोनों जो हैं वो आईआर स्पेक्ट्रा जो है वो सेम आईआर स्पेक्ट्रा देंगे।